सो हेलो लेडीज, वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिताज कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, रिव्यू बनाई थी इस शरारा सूट की। तो जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ड्रेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और सेम कपड़े पहनना बार बार रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप इस कोई भी वैसे इस शरारा सूट को या कोई भी शरारा सूट को कितने अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और उसको कितने डिफरेंट तरीके से पहन सकते हैं। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, सबसे पहले अपने जो ये कुर्ता दिया गया है इसके साथ मैचिंग रेड कलर का जो एक पैंट ले लिया है, जो कि इससे लुक जो है काफी अलग लग रहा है। शरारा लुक तो अच्छा लग ही रहा था, बट ये वाला लुक भी काफी अच्छा लग रहा है। प्लस इसके साथ अगर आप मैचिंग दुपट्टा ले लेते हो तो आपका ये पूरा आउटफिट बन जाता है, पूरा सेट बन जाता है। तो इस तरीके से भी आप अपने इस शरारा सूट को अलग थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए ये वाला लुक आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू कलर की पैंट एंड देन अब मैचिंग दुपट्टा। तो क्या है, मेरे जो इस ड्रेस का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, इसमें बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं। तो अगर आपका भी ऐसा आउटफिट है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि उससे मैचिंग कोई भी कलर का प्लाजो दुपट्टा और पैंट स्टाइल कर सकते हो और टोटल पूरा एक सूट वाला वाइब दे सकते हो, पूरा सेट का लुक दे सकते हो। इस तरीके से आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप कपड़ों को रिपीट करें, सेम कपड़े बार बार पहन रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। और थर्ड मैंने यहाँ पर ट्राई किया है ये पिंक कलर की पैंट, जिसमें मैं दुपट्टा कैरी नहीं कर रही हूँ, ओनली पैंट और देन ये वाला कुर्ता। तो ये भी काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। अगर आप फ्रीली कहीं मार्केट वगैरह जाना चाहते हो तो इस तरह का लुक भी आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि जो ये है ये काफ़ी लाइट वेट है और कॉटन का है तो गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगने वाली है। तो अगर आप थोड़ा आउटिंग के लिए जा रहे हो तो भी आप ये वाला लुक जो है कैरी कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग चाहे तो मैचिंग कोई प्लाजो हो उसके साथ पेयर कर सकते हो, बट अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे प्लाजो तो अवेलेबल नहीं है, बट ये कुछ पैंट्स थी जो मैंने आपको स्टाइल करके दिखा दी। इसके अलावा आप अपनी फेवरेट जीन्स के साथ भी इसे कैरी कर सकते हो, ये एज अ टॉप का भी काम करता है, एज अ कुर्ती का भी काम करता है और आपका लुक को जो है काफ़ी अच्छा स्टाइलिंग लुक देता है। तो आप इसे इस तरह से जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। अगर आप फ्रेंड के साथ आउटिंग पे जा रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अभी हमने बात कर ली इसके अपर की बात, तो अपर कुछ तरीके से इस तरह से भी स्टाइल कर सकते हो। आप लोग चाहो तो नए नए पैंट के जो स्टाइल चले उनमें कैरी कर सकते हो इसको। अभी तो मेरे पास स्कर्ट अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप इससे स्कर्ट के साथ भी पेयर करोगे तो भी इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लुक आने वाला है। टोटली एक पार्टी वेयर वाइब भी आपको ये वाला लुक आपको दे सकता है। तो ये तो हो गई इसके अपर पार्ट की बात। अब आते हैं लोअर पार्ट, यानी कि इसका जो शरारा है उसको हम किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ट्राई किया है अपनी एक मैचिंग अनारकली कुर्ती के साथ। तो क्योंकि मेरे बॉटम में भी कलर्स है, पिंक है, रेड है, ब्लू है, स्काई ब्लू कलर है, काफ़ी ज़्यादा कलर इसमें प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है एक अनारकली अपना कुर्ती, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा मैच दे रहा है, काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है। दोनों ही फ्लेयर वाले हैं और इसका एक वंडरफुल लुक दे रहा है और एक पार्टी वाइब भी, इसमें भी आप एक पार्टी वाइब ऐड कर सकते हो और चाहो तो कुछ इसमें दुपट्टा भी ऐड कर सकते हो। और सेकंड में इसके साथ ट्राई कर रही हूँ एक प्लेन कुर्ती, क्योंकि एज इसमें पिंक कलर की कुर्ती भी चल जाएगी, ब्लू कलर की भी चल जाएगी, बट मैंने यहाँ पे एक सेम रेड कलर की कुर्ती ली है, जो कि आप देख सकते हो किस तरीके से लग रही है। ये भी एक काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। कुर्ती और शरारा का सेट तो एवर ग्रीन है, वो तो हमेशा ही अच्छा लगता है, तो इस तरीके से भी आप इस तरीके इसको कैरी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगी कि आप इसे किसी लॉन्ग टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हो, आपको इसमें दुपट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल आप एक शरारा कैरी कर लो प्लस कोई भी एक टॉप इसके साथ कैरी कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई मैचिंग टॉप तो नहीं है जिसके साथ अच्छी लगे, बट मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर दी। सो इस तरह से आप जो है सेम एक ड्रेस को काफ़ी डिफरेंट तरीके से वेयर कर सकते हो। अगर आप एक ही ड्रेस पहन के काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हो तो आप इस तरह की न्यू ट्रिक्स इस्तेमाल करके अपने आउटफिट को एक अच्छा खासा लुक दे सकते हो अलग, जिसमें आपका कपड़े रिपीट भी नहीं होंगे और आप भी अलग अलग स्टाइल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इनमें से कौन सा लुक अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वन।